हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है अमन और आज हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इंडिया वर स्पोर्ट जो कि नई आई है जल्दी में ही, और पुरानी वाली जो टॉप वेरिएंट थी जो कि थी एंडेवर टाइटेनियम प्लस 4x4, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जानेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि क्या आपको एंडेवर स्पोर्ट के साथ जाना चाहिए विद एक्स्ट्रा कॉस्ट कि नहीं, और सारे डिफरेंसेस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्पॉइलर की अगर बात कर लूँ तो पहली चीज़ ये होगी कि दोनों गाड़ियों में ही लगभग हर चीज़ सेम है, ठीक है। और जो एंडेवर स्पोर्ट है वो आपकी थोड़ी सी महंगी है। क्यों महंगी है मैं बताता हूँ आपको, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं दोनों में ही जो काफ़ी सिमिलर हैं। पहले अगर इंजन की बात कर ली जाए तो इंजन आपको एग्जैक्टली सेम मिलता है जो कि है 2 लीटर का डीजल इंजन 1996 सीसी का, और आपको उसमें 10 गियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। मैक्स आउटपुट की बात करें तो 170 पीएस की मिल जाती है। मैक्स टॉर्क की बात करें तो 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है आपको। और अगर इंजन की माइलेज की बात करें तो 12.4 जो कि एग्जैक्टली सेम है टाइटेनियम प्लस 4x4 वेरिएंट के, सेम आपको माइलेज मिल जाता है 12.4 किलोमीटर पर लीटर। अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। जितनी भी आपको सिक्योरिटी उसमें मिलती है टॉप वेरिएंट में टाइटेनियम प्लस 4x4, जब मैं कहूँ टॉप वेरिएंट तो उसका मतलब होगा टाइटेनियम प्लस 4x4 और फोर्ड एंडेवर जो आपकी स्पोर्ट एडिशन है उसको तो मैं फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट ही बोलूंगा, राइट। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर बात करी जाए तो दोनों ही एग्जैक्टली सेम है जहां भी आपको 4x4 दिखे, क्योंकि जो आपकी एंडेवर स्पोर्ट आ रही है 4x4 वेरिएंट की ही आ रही है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसमें सारे आपको फीचर मिल रहे हैं। बट आपकी जो टाइटेनियम प्लस है उसमें आपके दो वेरिएंट आते हैं, एक होता है 4x2 और एक होता है 4x4। तो जहां आपको टाइटेनियम प्लस वाली लिस्ट में 4x4 दिखे उसका मतलब सिर्फ यही है कि वो 4x4 के लिए ही अवेलेबल है, और क्योंकि एंडेवर जो आपकी स्पोर्ट है वो 4x4 वेरिएंट में ही आती है, तो उसमें आपको कोई डिफरेंस उसमें कोई भी आपको अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 4x4 है तो वहां पर वो चीज़ होगी। तो ये है आपके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। हम लोग जाते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है व्हील एंड सस्पेंशन। तो जो व्हील साइज है, जो आपको एक्स्ट्रा व्हील मिलता है, स्पेयर व्हील मिलता है, उसके साइज एलॉयस जो भी एलॉय की डिज़ाइन डिफरेंट है, बट जो आपके साइज है एलॉय का और जो आपका व्हील साइज है और जो भी डायमेंशन है वो ट्रैक साइज थ्रेड साइज और जो भी है एग्जैक्टली सेम है दोनों ही व्हीकल्स की। अब अगर हम लोग इंफोटेनमेंट की बात कर लें तो इंफोटेनमेंट जो आपको आगे मिलता है क्लस्टर इंफोटेनमेंट क्लस्टर आपकी स्क्रीन हो गई वो एग्जैक्टली सेम है, सेम फीचर्स आपको मिल रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा या कम नहीं दिया जा रहा है किसी भी उसमें, और दोनों एग्जैक्टली सेम है, आपको अंदर से लुक्स भी सिमिलर ही दिखेंगे। अब अगर हम लोग कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस की बात कर लें तो हर एक चीज़ जो आपको गाड़ी में मिल रही है वो दोनों में ही एग्जैक्टली सेम है। मैं इसलिए टॉप वेरिएंट से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का प्राइस लगभग एक जैसा है, तो अगर आप टॉप वेरिएंट के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप एंडेवर स्पोर्ट कंसीडर करना चाहोगे, क्योंकि वो सबसे महंगी गाड़ी है एंडेवर के अभी तक लाइनअप में। तो दोनों में ही जो आपका कंफर्ट एंड कन्वीनियंस है वो एग्जैक्टली सेम मिलता है, सेम कंफर्ट, सेम सीट डिज़ाइन, 60/40 स्प्लिट रेशियो आपको सेकेंड रो में मिल जाता है, इट्स ऑल सिमिलर। जो सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि जो आपका साइड स्टेपर है, ठीक है, वो क्रोम की जगह अब ब्लैक दिया जा रहा है, तो मतलब जो आपकी पूरी गाड़ी की थीम है वो ब्लैक पे ही बेस्ड है। तो ये हो गया कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बारे में। अब अगर हम लोग इंटीरियर के बारे में जान ले तो इंटीरियर भी ज़्यादा चेंज नहीं है, इंटीरियर में भी लगभग सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है, मतलब अगर डिफरेंस की बात करी जाए तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली सेम है, आपको कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। जो आपको डोल टोन फिनिश अंदर मिलता था जो थोड़ा वाइटिश एंड ब्लैक चीज दोनों को मिला के बनता था, वही एग्जैक्टली सेम आपको मिल रहा है, उसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने को। अब अगर हम लोग एक्सटीरियर की बात कर लें जो कि एक्चुअली मेन हाईलाइट है इस गाड़ी का, फोर्ड स्पोर्ट का, मैं तो ये कहूँगा कि फोर्ड स्पोर्ट की जगह इसको फोर्ड ब्लैक एडिशन दे देना चाहिए था, क्योंकि जितनी भी थीम है और जो इनकी मार्केटिंग है वो भी ब्लैक कलर के अराउंड ही रिवॉल्व हुई है, तो मेरे हिसाब से तो मैं ब्लैक एडिशन ही कहूँगा। तो एक्सटीरियर की बात करी जाए तो लगभग हर चीज़ सेम है, जो चीज़ें डिफरेंट हैं तो मैं बताई दे रहा हूँ। टाइटेनियम प्लस में जो आपको मिलता था ब्राइट फिनिश रूफ रेल्स, वो अब ब्राइट फिनिश नहीं मिलता है, अब आपको एबनी पेंटेड
ब्लैक रूफ रेल्स मिलते हैं, जहां पर आपको पहले क्रोम का मिलता था, व्हाइट थोड़ा मिलता था, ब्राइट शाइन सिल्वर टाइप का, अब यहीं पे वो ब्लैक हो जाएगा रूफ रेल्स। और जो रेडिएटर का क्रोम फिनिश था और जो फेंडर ग्रिल पे क्रोम फिनिश था, अब वो दोनों भी ब्लैक में आ गए हैं। जो आपकी क्रोम रेडिएटर थी वो एबनी ब्लैक रेडिएटर हो गई, मतलब एबनी में ब्लैक कहूँगा तो आप ये समझ लेना कि उनके नाम के हिसाब से वो सब चीज़ों में एबनी लगाई है उन्होंने, ठीक है। तो ब्लैक आपको रेडिएटर फिनिश मिल जाती है और ब्लैक फिनिश पे ही आपको फेंडर ग्रिल भी मिल जाती है। अब पहले जहाँ पर आपको क्रोम साइड मिरर्स मिलते थे जो कि बहुत भद्दे लगते थे मेरे हिसाब से, मतलब वो काफ़ी भद्दे मुझे लगते थे, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है बट मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी भद्दे लगते थे, तो वो आप क्रोम की जगह ब्लैक हो गए हैं, तो थोड़ी बहुत उसकी जो कमियाँ थी वो छुप गई हैं। स्पेशली जो आप ब्लैक उसे लगाते थे ना, तो क्योंकि उसकी लाइट काफ़ी बड़ी थी, जो साइड मिरर्स होते हैं उसकी लाइट काफ़ी बड़ी थी जो जलती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब ब्लैक है तो शायद अच्छी लगे, बट हू नोस। फोटो तो आपको दिख ही रही होगी ना, तो उसमें आप खुद जज कर सकते हो कि आपको कैसी लग रही है। अब जो आपको फ्रंट एंड रियर बम्पर स्किड प्लेट जो आपको मिलती थी, जो कि नॉर्मल शायद थोड़ा सिल्वरिश या गन मेटल ग्रेइश थी, वो अब एक्चुअली ब्लैक हो गई है। तो मैं बता रहा हूँ ना, पूरी गाड़ी एकदम ब्लैक पे ही बेस्ड है, कुछ भी मतलब पूरी गाड़ी एक हिसाब से ब्लैक है बस। और अगर एलॉय व्हील की बात करी जाए, तो जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है आप देख ही सकते हैं कि दोनों में कैसा है, बट जो कलर है वो डिफरेंट है, मेन कलर का ही इम्फोसिस आ रहा है, लुक्स में थोड़ा एनहेंस कर दिया गया है, मतलब काइंड ऑफ लगता है कि हाँ थोड़ी बिग बसल कार है, क्योंकि जितनी भी ब्लैक कार्स होती हैं वो डेफिनेटली थोड़ा सा स्टैंड आउट करती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। तो ब्लैक एलॉय कर देना भी तो एक गाड़ी का एक पूरा कंप्लीट एक टोन फिनिश वाला नहीं होता है, बस एकदम वैसा ही इन्होंने कर दिया है। अब मैं तीन चीज़ें ऐसी बात करूंगा जो कि आपको पहले टाइटेनियम प्लस 4x4 वेरिएंट में नहीं मिलती हैं, वो नई हैं जो आपको फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट में मिलती हैं मेरे हिसाब से ब्लैक एडिशन। तो पहली चीज़ हो गई आपको टेल गेट पे थोड़ी गार्निश देखने को मिल जाती है, मतलब एक ब्लैक कलर का जो थीम होता है वो आपको दिख जाता है, जैसे आपने क्रेटा में शायद देखा होगा ब्लैक कलर का, एकदम वैसा दिखने को मिल जाता है। स्मोक्ड हेडलैम्प्स दिखती हैं आपको, तो दिस इज़ बेसिकली कि आपकी जो हेडलैम्प्स हैं उसमें जो पोर्शन जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है उसको भी ब्लैक कर दिया गया है। आपने प्रोबेबली पल्सर या बुलेट में ज़्यादातर आपने देखा होगा ऐसे कराया हुआ लोगों को, तो वो हो गया। अब तीसरी बात कर लूँ तो आपको स्पोर्ट, मतलब क्योंकि ब्रांडिंग तो ज़रूरी है ना, आपको ऐसे कैसे पता करोगे कि ये गाड़ी अलग कैसे है, तो जो ब्रांडिंग आपकी स्पोर्ट लोगो है वो आपको साइड डोर्स पे और टेल गेट पे भी आपको स्पोर्ट्स का लोगो दिख जाएगा, स्पोर्ट्स लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये था डिफरेंसेस एक्सटीरियर्स का। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइस की। तो आई थिंक ये जो प्राइस वाला सेगमेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। तो जो आपका टाइटेनियम प्लस 4x4 वेरिएंट है उसकी जो कॉस्ट है वो है 34,45,000 रुपीज़। अब इसमें अगर हम प्लस कर देते हैं 65,000 रुपीज़, तो ये आपकी कॉस्ट बन जाती है 35,10,000 रुपीज, जो कि प्राइस है नई फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट, नॉट ब्लैक एडिशन, स्पोर्ट का। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये मैंने अपने भाइयों से डिस्कस किया था, क्योंकि वो काफ़ी बिजी चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो को फिनिश कर देता हूँ, आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो उनके साथ जब मैंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि अगर आप टॉप वेरिएंट के साथ जा रहे हैं और 65,000 रुपीज एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर आप उत्ते टॉप वेरिएंट के साथ जा ही रहे हैं जो कि 34,50,000 ऑलमोस्ट 34,50,000 की है, तो मेरे ख्याल से 65,000 डाल के और एक आपको नया वेरिएंट मिल रहा है जिसकी हाइप नहीं है, जिसके पार्ट नहीं है, जिसका लुक नया है, हल्का सा ही बट नया है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में गाड़ी ज़्यादा देर तक वो नहीं दिखेगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार पुरानी होगी। और बाकी दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर आपने एंडेवर ली है रिसेंटली में ही कोई भी, तो परेशान ना हो, सिर्फ एक्सटीरियर चेंज है, इंटीरियर में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप एंडेवर का पहला मतलब जो बेस वेरिएंट है उसको लेना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से 4,350,000 लगा के आप इसके लिए जाना मेरे हिसाब से अकलमंदी नहीं है, सिर्फ लुक्स के लिए, क्योंकि वहाँ तक आपने शायद पुश किया होगा कि ये प्रीमियम सेगमेंट में गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो वहाँ तक भी पुश करना लोगों के लिए बड़ी बात होती है। उसके बाद उसके ऊपर अगर आप 4-5 लाख लगा रहे हो, जहाँ आप 4-5 लाख कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे कामों में, मतलब अपने बिजनेस में, अपने काम में,
अपने घर पे परिवार के साथ हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप टूर एंड ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो ही आप टॉप एरेंट के साथ ये एंडेवर ब्लैक स्पोर्ट एडिशन के साथ जाना। बट अगर आप कंसिडर कर रहे हो या लेने जा रहे हो टाइटेनियम प्लस 4x4 तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और स्पेंड करके, जो कि 65,000 रुपीज़ है, स्पेंड करके आप ये वाला मॉडल ले लो, नया है और कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे नई गाड़ी के लिए। वेरिएंट के हिसाब से अच्छी दिखती है, एक टोन फिनिश है, आपको गाड़ी मस्कुलर होने के साथ एक सीमलेस गाड़ी भी दिखती है क्योंकि पूरे ब्लैक पे ही बेस्ड है। तो ये था मेरा ओपिनियन और आप देख सकते हो। बाकी अगर मेरी ये एंड वीडियो थोड़ी ना समझ में आई हो, आपको पर्सनली क्वेश्चन पूछना हो तो इंस्टाग्राम भी मैंने भाई का दे दिया है, बाकी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल सजेशन या जो भी है वो कर सकते हो। वो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, वो भैया रिप्लाई करेंगे, मैं जस्ट हेयर फॉर द वीडियो एंड एडिटिंग पार्ट, ठीक है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करते जाना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी ऑसम, जय।